अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है कैसे हंसते हंसते अध्यात्म को जाना जाता है, समझा जाता है। कितने लोगों ने मेरे को पिछली बार सुना था, एक बार जरा हाथ खड़ा करके बताएं थोड़ा सा। जो लोग हाथ लेके आए एक बार जरा हाथ खड़े करके दिखाएं, सभी लोग अपने हाथ लेके आए। कुछ लोग हैं लेकिन हाथ नहीं दिखाई दे रहे, एक बार हाथ ऊपर कर ले। वेरी गुड। अब एक बार जोरदार ताली बजाएं अपने लिए कि आप इतने मेहनत के साथ ज्ञान सुन रहे हैं। जोर से बजाएं। सो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सुनना, और आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे और मैं भी आप लोगों को देख रहा था कि कितने अच्छे से सुन रहे थे। और मेरा विषय है स्पिरिचुअल कॉमेडी, आध्यात्मिक हास्य, कि हंसते हंसते कैसे अध्यात्म को समझा जाए। और इस विषय को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा अपने विषय में बता दूं कि मैं ध्यान सिखाता हूं, ज्ञान सिखाता हूं, और दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो, कैसे प्रेम पूर्वक हो, उसके लिए मैं लोगों को स्पिरिचुअल नाटक भी सिखाता हूं। तो आई होप आप में से जितने लोग शादीशुदा हैं वे एक बार जोरदार ताली बजा दें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने लोगों को 30 सेकंड में एनलाइटन होने की विधि बताई थी, सिर्फ 30 सेकंड में एनलाइटनमेंट। आर यू एक्साइटेड? जानना चाहते हैं आप कि 30 सेकंड में व्यक्ति कैसे एनलाइटन हो जाता है? मुझसे किसी ने कहा जी बुद्ध को तो इतने साल लगे थे। नहीं, वो प्रोसेस था, एनलाइटनमेंट 30 सेकंड में ही होता है। लाइट जलने में कितना टाइम लगता है? आपने बटन दबाया और बोलो जल गई, बटन दबाया और जल गई। तो मैं आप लोगों को वही विधि बताने वाला था, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं आप लोगों को 5 सेकंड में एनलाइटनमेंट होने की विधि बता दूं, क्योंकि इस भाग दौड़ के जीवन में हमारा पेट आगे निकल गया, हम पीछे रह गए हैं और हमारे पास समय भी बहुत कम है। तो मैं 30 सेकंड में एनलाइटनमेंट होने की विधि बताने वाला हूं आप लोगों को। आर यू रेडी? सो एक बार जरा सभी लोग खड़े हो जाएं लाफिंग बुद्धा के पोज में। वेरी गुड। लाफिंग बुद्धा का पोज याद है सबको? हाँ, वेरी गुड। पहले स्पिरिचुअल कॉमेडियन लाफिंग बुद्धा थे। इतनी देर से आप लोग बैठे थे, मैंने सोचा थोड़ा हिला डुला दूं, लोग सो जाते हैं ज्ञान सुनते सुनते। तो आप लोगों को क्या करना है, जब ऊपर आप हाथ करेंगे हा हा, देन मेडिटेट। ठीक है, हम लोग 5 टाइम ऐसा करने वाले हैं। सभी लोग बोलेंगे हा हा मेडिटेट, 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 हा हा मेडिटेट। बैठ जाइए अब आप लोग। एक्चुअली हिलाना बहुत जरूरी है। जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर आए सबने आपको हिला हिला कर जगाया है, अलग अलग प्रकार से, किसी ने संगीत के माध्यम से, किसी ने कुछ ही तरीके से। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्ञान कितने ध्यान के साथ व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। मैंने आप लोगों को भगवद गीता के विषय में बताया था कि जब हम ज्ञान नासमझी से किसी को देते हैं तो क्या होता है। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को भगवद गीता दी और कहा इसको पढ़, आत्मा के विषय में कुछ जान। बच्चा पढ़ गया और अगले दिन पापा के सर पे गन लगा दी। पापा ने कहा रहे बेटा ये क्या कर रहा है, मैं मर जाऊंगा। बोला चुप करो, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है। दोबारा उसने कहा रहे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरा बाप हूं। बोला इस संसार में ना कोई किसी का बाप है और ना कोई किसी की माँ है। अरे उसने कहा भाई ऐसा मत कर, मेरी जान चली जाएगी। बोला हाँ जान चली जाएगी, इस धर्म युद्ध में तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। तो पिता ने कहा कि भैया ज्ञान ध्यान से देना चाहिए। अब इतना महान ग्रंथ जो भगवद गीता है, क्या कोई उसको पढ़कर ऐसी बेवकूफी कर सकता है? बोलो यस या नो। नो तो फिर आप लोग सारे हंस क्यों रहे थे? क्योंकि अगर हम अपने अहंकार की पूर्ति के लिए किसी को ज्ञान देने जाएंगे तो परिणाम घातक ही होगा। हमें जो ज्ञान देना होता है वो किसी को प्यार से देना होता है, और प्यार के साथ नॉनसेंस के साथ। सेंस क्रिएट टेंस एंड नॉनसेंस क्रिएट लाफ। हम समझदारी की बातों में खुश नहीं होते,
हम कुछ नासमझी की बातों में खुश होते हैं। सभी ने अपने अपने ध्यान के अलग अलग अनुभव बताए। मेरे पास कई लाखों अनुभव हैं ध्यान के। जब ये लॉकडाउन हुआ तो सारे बच्चे और सभी लोग बंद हो गए थे घरों में, तो हमारे घर के पास कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। कितने लोग जानते कंचे, मार्बल्स की जो गोलियां होती, खेली है सभी ने? तो मैं चला गया बच्चों के साथ खेलने के लिए और मैंने सबके कंचे जीत लिए। बच्चे घर से फिर लेके आए, मैं वो भी जीत आया। तीसरी बार फिर गया तो सबके कंचे जीत लाया, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल आप करते क्या हो जो आप जीत जाते हो? मैंने, बेटा मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो कह रहे, अंकल पहले वो मेडिटेशन बताओ। और उसके बाद उन बच्चों ने वो मेडिटेशन किया, उसमें से एक ने सीरियसली मेडिटेशन किया और अगले दिन वो सबके कंचे जीत गया। तीसरे दिन से बच्चे कंचे खेलने से पहले मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो नॉनसेंस के साथ भी हम चीजों को समझा सकते हैं। मैंने हमेशा धागे के दूसरे सिरे को जानने की कोशिश करी है, जैसे इतने सारे शब्द मैं बोल रहा हूं, शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है, जो शब्दों के बीच का साइलेंस है उसको जानना और उसी साइलेंस को अनुभव कराने के लिए मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल कॉमेडी सुनाने आया हूं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी के, और जोर से हाथ को ऊपर उठा करके, और जोर से। ये ताली आप अपने खुद के लिए बजा रहे हैं, मेरे लिए नहीं बजा रहे हैं। रामायण में एक जगह रामचरितमानस में लिखा है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जो आपके डाउट्स हैं अध्यात्म को लेकर के, बहुत सारे डाउट्स हैं कि ध्यान में क्या होगा, ध्यान कैसे होगा, ध्यान किस तरीके से होना चाहिए, ऐसे डाउट हैं किसी के मन में? हाथ खड़ा करके बताएं हैं तो, वेरी गुड, नहीं है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले 30 सेकंड वाली एनलाइटनमेंट की विधि बताऊंगा। कितने लोगों को पिछले बार का याद है? याद है मैंने पिछले ध्यान कुंभ में बताई थी? कोई है ऐसा जो हाथ खड़ा करके बता सके? 30 सेकंड में एनलाइटनमेंट हो जाना आसान बात है? कितने लोगों को तो बेचारों को योनिंग आ रही है, उबासिया ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को 30 सेकंड वाली वो विधि बताने जा रहा हूं। सभी लोग रेडी हैं? जोर से बोले, जोर से बोले, ओके। सो एक बार जोरदार तालियां बजाएं, और जोर से, और जोर से, और जोर से, इतनी जोर से बजाएं, इतनी जोर से बजाएं कि पूरा ऋषिकेश गूंज जाए आपकी खुशी के साथ। वेरी गुड। तो सिंपल सा काम करना है, सबसे पहले एक बार आंख बंद करें, अपनी आती जाती सांसों को देखें, अपनी आती जाती सांसों को देखें और सबसे पहले मुस्कुराएं, और बड़ा 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 मुस्कुराएं, इतना बड़ा मुस्कुराएं कि आपके जो चिक हैं, जो आपके गाल हैं, वो आपके कानों को टच हो जाएं, आपके होंठ जो हैं वो कानों तक पहुंच जाएं। मुस्कुराएं, हाँ मुस्कुराएं भाई, मुस्कुराएं। देखे किसका पहुंच, जिसके भी होंठ उनके कानों को टच हो जाएंगे वो 30 सेकंड में एनलाइटन हो जाएगा। कोशिश कीजिए, बहुत लोग नजदीक पहुंचने वाले हैं। हाँ मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते रहिए। ये मुस्कुराना ही आपको एनलाइटन कर देगा। और जोर से, वेरी गुड। कैसा लगा कुछ सेकंड के अंदर? ये जो परम शांति, ये जो परम आनंद है, यही एनलाइटनमेंट है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों को अक्सर मैं कहता हूं कि आप सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं सर पॉजिटिव बातें करो, ऐसा नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो मैं अक्सर ये स्टोरी बताया करता हूं कि दो बहुत पक्के दोस्त थे, एक अंधा था और एक बहरा था। अब अंधे की हो गई तबीयत खराब, जैसा कि आजकल दिल्ली में तो हो ही जाती है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। तो अंधे की तबीयत खराब हो गई और बहरा उससे हाल पूछने गया। अब बहरा बहुत पॉजिटिव था, रेगुलर मेडिटेशन करता था, मन के अंदर बड़े पॉजिटिव थॉट लाता था। तो उसने पहले ही थॉट लिया कि जब मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा तुम्हारी तबीयत कैसी है तो बोलेगा अच्छी है। फिर वो पूछूंगा कि कौन सी दवाई ले रहे हो तो वो किसी अच्छी दवा का नाम बताएगा, मैं कहूंगा ये तो बहुत सुंदर दवाई है। फिर मैं तीसरी बात पूछूंगा उससे कि कौन सा डॉक्टर है
तो किसी भी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएगा और मैं उसको अप्रिशिएट करके इतना पॉजिटिव कर दूंगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर दूंगा कि मेरा दोस्त चुटकियों में ठीक हो जाएगा। अब अंधे के पास बहरा पहुंचा और उसने पूछा, दोस्त तबीयत कैसी है? बोला, बहुत खराब है। बोला, भगवान करे ऐसी ही रहे, मैं रेगुलर प्रेयर कर रहा हूं इस बात के लिए। अंधे को गुस्सा आ गया। फिर बहरे ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कौन सी दवाई ले रहे हो? बोला, पॉइजन ले रहा हूं। अरे बोला, इतनी बढ़िया दवाई भाई, इसको तो लेते रहो, 3 टाइम लो, बिल्कुल नागा मत करना। तीसरा बार उसने पूछा कि सर डॉक्टर कौन सा चूज किया है? कह रहा, यमराज। कह रहा, ओ माय गॉड, वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर आपने चूज किया है। अब अंधे का जो गुस्सा था वो एकदम उबाल पर आया और वो एकदम खड़ा हो गया, जो कि बेड पर से उठ भी नहीं पाता, उसने धक्का दिया। तब से वो बहरा व्यक्ति कह रहा है, लोग बहुत गड़बड़ हैं, हमेशा पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेटिव आता है। वो कह रहा है, लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, हम अच्छा करते हैं लेकिन लोग बुरा कर देते हैं। अब ये अंधा बहरा कोई और नहीं है, हम सबके भीतर कई ऐसे अंधे बहरे हैं। बहरा वो जो अपनी ही धुन में, अपने ही अजम्पशन में सिर्फ बोले जा रहा है, देख ही नहीं पा रहा, और जो विपश्यना है वो देखने का ध्यान है। अहि पश्यो विपश्यो, आ बैठ और देख। तो जो देख नहीं पा रहा दूसरे की भावनाओं को, वो अंधा है। अंधा शब्दों को सुन रहा है, आवाज को सुन रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो फीलिंग है वो देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा। तो हम लोग उस फीलिंग को देख पाए, इसके लिए हम सबको रोज ध्यान करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मनुष्य की एक ही इच्छा है, ध्यान। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, साइको अप्रिशिएशन डिजायर। हम सबको अप्रिशिएशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो एक बार अपने अप्रिशिएशन की डिजायर के लिए ताली बजाएं। मेरी बातें अच्छी लग रही है तो जोर से ताली बजाएं, नहीं तो मैं ज्यादा देर तक बोलने वाला हूं फिर। तो अभी मेरी एडविकेशन में जब मेरे विषय में बताया गया तो ये भी बताया कि मैं पोएटर हूं, कविताएं लिखता हूं और बहुत अच्छी कविताएं लिखता हूं। मेरी कविताओं में बहुत अद्भुत अद्भुत बातें होती है। अभी मुझसे परसों किसी ने कहा कि विशाल भैया कुछ बताओ तो सही कि क्या क्या लिखते क्या रहते हो। तो मैंने मैं किससे भी बहुत अच्छे सुनाता हूं, तो मुझसे किसी ने कहा कुछ ऐसा बताओ जो बहुत मजेदार हो, तो मैंने कहा लिखने में वो सच था, पढ़ने में झूठ था। क्या बताऊं दोस्त, वो किस्सा बहुत खूब था। लिखने में सच था, पढ़ने में झूठ था। क्या बताऊं दोस्त, वो किस्सा बहुत खूब था। मैंने लिखा नहीं, मुझसे लिखा गया। मैंने कहा नहीं, मुझसे कहा गया। मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़ा मेरा वजूद था। लिखने में वो सच था, पढ़ने में झूठ था। क्या बताऊं दोस्त, वो किस्सा बहुत खूब था। अब जब हम ऐसी समझदारी की बातें करते हैं तब क्या होता है, तब हम सिंक हो जाते हैं, थोड़े थोड़े सिमटने लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जीवन में नासमझी का दौर बना रहना चाहिए। मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करता हूं, एक बार मेरे पास हस्बैंड वाइफ झगड़ा करके आ गए, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो पत्नी बोली ये मेरे हस्बैंड है। मैंने एक मिनट हस्बैंड से भी तो पूछ लूं कि आप इनके हस्बैंड हो? कह रहा जी हाँ हूँ। तो सही, मैं इतना घबराए क्यों हूँ भाई? तो कहता है कि सर एक्चुअली ना मेरे को डर लगता रहता है। मैंने किससे? बोला पत्नी से। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, एक तरफ खड़े हो जाइए और 3 बार एक मंत्र दोहराइए। आप लोग जानना चाहते हो मंत्र जिनको पत्नियों से डर लगता है? भैया इस संसार में जो पति पर तनी रहे उसको पत्नी कहते हैं। ये पत्नी शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या है, लेकिन अच्छा इधर बैठे हुए हैं। एक मंत्र होता है जो सारे वेद शास्त्र उपनिषदों में लिखा हुआ है, जिस मंत्र के द्वारा समस्त भय चले जाते हैं। पतियों को खास ये मंत्र दिया जाता है और पत्नियों के लिए ये चेहरे पर ब्यूटी लाता है। तो दोनों को बता दूं, तो सारे लोग मेरे साथ बोलिए, आई लव माई सेल्फ। जोर से बोलो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जब कभी भी आप इस मंत्र को दोहराएंगे तो आप अपने अंदर एक मुक्त व्यक्तित्व पाएंगे और आपके अंदर से एक म्यूजिक बज उठेगा, एक गीत बज उठेगा। पता है कौन सा गीत बजेगा वो? पता है किसी को? इस पता पे भी मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया कि एक बार एक जगह कोई महात्मा जी प्रवचन देने गए,
तो सभी लोगों से महात्मा जी का पहला प्रश्न था, जानते हो हम किस विषय पे बताने वाले हैं, जानते हो हम किस विषय में बताने वाले हैं? आप ही की तरह सब लोग चुप थे, एक ने कहा जी नहीं। महात्मा बोला जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो हम क्या बताएं। महात्मा जी अपने घर चले गए। अगली बार फिर लोगों ने बुलाया कि नहीं नहीं कुछ तो बोलना ही चाहिए, इतने अच्छे स्पीकर हैं, योगी हैं, कुछ तो बुलवा लो। तो अगली बार उन्होंने पूछा जानते हो हम किस विषय में बताएंगे, सबने कहा हाँ जानते हैं। बोला जब तुम सब जानते हो तो फिर हम क्या बताएं। अगला फिर अपने घर। तीसरी बार लोग, क्योंकि ध्यान कर लेते हैं लोगों का विवेक जागृत हो जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है, तीसरी बार लोग दो रो में हो गए, आधे इधर हो गए और आधे इधर हो गए। महात्मा जी ने पूछा जानते हो हम किस विषय पर बताने वाले हैं, आधों ने कहा हाँ और आधों ने कहा ना। तो महात्मा ने कहा जो ये हाँ बोले ना ये ना वालों को बता देना। अब क्या करें? तो अब उनको किसी पिरामिड मास्टर ने समझाया कि आप आंख बंद कर लो, आप भी बंद कर लो, वेरी गुड, और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाओ और सिर्फ मुस्कुराओ और मुस्कुराओ और मुस्कुराओ। महात्मा जी ने कहा मैं यही बताने वाला था कि जब आप ऐसे मुस्कुराते हो तो आपका जो मन होता है वो अमन हो जाता है, और जब आपके मन में अमन होता है तब आपके जीवन में नमन हो जाता है। तो एक बार अपने लिए नमन के लिए ताली बजा दें। अब मैं आप लोगों को सबको अपने साथ एक बहुत सुंदर गीत गाने के लिए कहने वाला हूँ, आप सबको मेरे साथ गाना है, क्योंकि मुझे आशा है सभी लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा गाते होंगे। मैं बहुत बड़ा उपकार करता हूँ इस देश पर, इस ब्रह्मांड पर, कि मैं गाना नहीं गाता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो सभी लोग शुरू करें मेरे साथ, बोलें रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा, बोलिए रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा, श्वास गुरु है श्वास है ईश्वर, श्वास गुरु है श्वास है ईश्वर, श्वास ना व्यर्थ गवा रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा। श्वास है पूंजी श्वास ही है धन, श्वास है पूंजी श्वास ही है धन, श्वास न व्यर्थ गवा रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा। श्वास से सिद्धि श्वास प्रसिद्धि, श्वास से सिद्धि श्वास प्रसिद्धि, श्वास की शक्ति जगा रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा, रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा। भाव से भोजन विचारों से मन, भाव से भोजन विचारों से मन, शाकाहार ही खा रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा। सज्जन संगति स्वाध्याय से गति, सज्जन संगति स्वाध्याय से गति, स्वस्थित हो जा रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा। श्वास है ईश्वर श्वास गुरु है, श्वास है ईश्वर श्वास गुरु है, श्वास है श्वास की शक्ति जगा रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था ध्यान महाकुंभ में तब मैंने इसकी दो लाइनें सुनाई थी, तो मैंने कहा इस बार मैं इसको पूरा ही सुना दूं। सो आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि आप कितने महान हैं। कितने लोगों को पता है कि आप बहुत महान हैं? जानते हैं आप सभी लोग भगवान हैं? तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, जोर से ताली बजाइए। ब्रह्म ज्ञान और भ्रम ज्ञान में धागे भर का ही अंतर होता है। एक बार एक व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो गया,
अहम ब्रह्मस्मि। कई बार हम लोग इन्फॉर्मेशन को ही विजडम समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन से ज्ञान नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नॉलेज से विजडम तक की एक यात्रा है। आप खाली सूचनाओं से अगर अपने आप को मानने लगते हैं तब बात नहीं बनती। तो उस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, व्यक्ति गया रेस्टोरेंट में, खाना खाया, खाना खाने के बाद चल दिया, सबने बोला अरे स्वामी जी पैसे, बोला चुप करो अहम ब्रह्मास्मि आई एम गॉड, गॉड से कौन पैसे मांगता है। उसने कहा ओ भाई पैसे दे, कह रहा ना ना तुमको माया है, तुम्हारी अभी तीसरा नेत्र नहीं खुला है, तुम देख नहीं पा रहे हो आई एम गॉड। अब रेस्टोरेंट वाले ने पुलिस को बुला दिया, पुलिस वाले ने कहा कि भाई ये क्या दिक्कत है, बोला चुप करो अहम ब्रह्मास्मि आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, मुझे पता चल गया, मैं अभी ध्यान महाकुंभ में होके आया हूं और मुझे पता चल गया कि आई एम गॉड। उसने कहा ठीक है, अदालत में पहुंचा दिया गया व्यक्ति को। अदालत में पहुंचने के बाद जज से उसने जैसे ही कहा, जज ने कहा ओहो प्रभु मैं पहचान गया आपको कि आप भगवान हैं। पुलिस वाले को कहा कि एक काम करो, इसको जरा 51 डंडों का प्रसाद चढ़ाओ। तो पहला डंडा लगते ही अरे 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 बस बस बस, अरे बोला प्रभु आप तो लीला कर रहे हैं, आपको कहां दर्द, आप तो भगवान है। दूसरे डंडे के बाद वो व्यक्ति बोलता अरे भाई मुझे छोड़ दो मैं पैसे दे दूंगा, अरे बोला प्रभु आप कैसे दे दोगे, पैसा तो माया है। और 5 डंडे पढ़ते पढ़ते वो जो ब्रह्म ज्ञान था वो भाग गया और ब्रह्म ज्ञान हो गया कि सबसे पहले मैं शरीर हूं, शरीर के बाद मन हूं, मन के बाद चित्त हूं, और चित्त के बाद जब मैं आगे जाता हूं तब जाकर के मैं आत्मा हूं। मैं एक संस्था के साथ बहुत सालों तक जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा हूं, मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूं। और उस संस्था के अंदर हम लोग एक बार बैठे थे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, तो एक लड़का आया, मैंने पूछा भैया नाम क्या है, बोला मैं एक आत्मा हूं। मैंने कहा भाई नाम क्या है आपका, बोले मैं एक आत्मा हूं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना था, मैंने तीसरी बार पूछा कि भैया नाम क्या है आपका, कह रहा मैं एक आत्मा हूं। मैंने फिर भटको मैंने कहा भटको, कह रहा भैया मेरा नाम ये। मैंने कहा अरे इतनी जल्दी से आत्मा से शरीर में आ गए आप। तो ध्यान रहे कि ज्ञान का भी ध्यान होना चाहिए, कि आप जो बोल रहे हो उसकी समझ होनी चाहिए, उसका अविवेक होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए। अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं काम को, ध्यान से नहीं बोलते हैं, तो वो ज्ञान जो है वो मिथ्या भाषण बन जाता है। डॉक्टर साहब अभी गए हैं, इतना बढ़िया बताकर गए, डॉक्टरी भाषा में सोच के देखो आप लोग, अगर भगवान श्री कृष्ण को मेडिकल साइंस का ज्ञान होता तो क्या होता। अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा अंग शिथिल हो रहा है, मैं गिर जाऊंगा। श्री कृष्ण बोलते दीज ऑल सिम्टम्स आर लो बीपी, अर्जुन आपका बीपी लो हो गया है। बीपी लो होने में बिल्कुल ऐसा ही होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और डिसीजन लेने प्रॉब्लम होती है, लगता है आई एम आई राइट, ताली बजा के बताओ मैं सही बोल रहा हूं ना। और वास्तव में अर्जुन का बीपी ही लो हो गया था, दैट कॉल्ड भाव प्रज्ञा, इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी खराब हो गई थी। तो जब कभी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस खराब हो जाती है तब हमारे जीवन में किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, कृष्ण की। आकर्षणयेत इति ही कृष्ण, जो स्वतः आपको अपनी तरफ आकर्षित कह ले उसको कृष्ण कहते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे कृष्ण कन्हैया के लिए। अभी मैं आ रहा था तो मुझसे किसी ने कहा कि सर आप कॉमेडियन है, मैंने कहा नहीं ड्रामेबाज नाटक। मैंने कहा हमारे सारे भगवानों ने अपनी सारी बातें नाटक करके बताई, एम आर राइट। और नाटक में कितना अच्छा सुंदर शब्द है ना अटक, अटकना नहीं है, लेकिन वो जो 9 रस हैं, वो जो 9 डिफरेंट काइंड ऑफ रस हैं, जिसमें एक हास्य भी एक रस है, हंसने में कितना आनंद आता है। सब बीमारियों की एक दवाई हंसना सीखो मेरे भाई। एक बार मैंने या मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने ज्ञान दिया एक बच्चे को कि बेटा जहां देखो जब मौका मिले हंस दिया करो। बच्चा हंसने लगा, बच्चे ने टीचर की बात मान ली, इनोसेंस होते लोग मान लेते हैं, ये दुनिया ही मानने की है। बच्चा मान गया, अगले दिन पूरा मुंह सुजा करके क्लास में आ गया, टीचर ने कहा ये क्या हुआ, बोला सर आपके ज्ञान की वजह से हुआ है। बोला कैसे, बोला पड़ोस में वो उनके मिश्रा जी के चाचा मर गए थे, वहां जाके मैं जोर से हंसने लग गया था, आपने बोला जब मौका मिले हंसो। तो भैया जब कभी भी आप सेंस और नॉन सेंस के बीच में परफॉर्म करें तो विवेक का यूज करें, ऐसा नहीं है जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करने लग जाओ आप, नहीं, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे परमात्मा ने, हमारे ईश्वरों ने, हमारे महापुरुषों ने जितने भी चरित्र बनाए उन सारे चरित्रों में 9 रस थे।
9 डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, उसमें हंसी एक रस है, कारुण्य दूसरा रस है, विभत्स है, ऐसे 9 डिफरेंट, और सारा कुछ नाटक ही है. देयर इज नथिंग रियल, एवरीथिंग इज रियल. तो इस रील में एक बार मुस्कुराते हुए सभी लोग जोरदार ताली बजाएं, और जोर से हाथ ऊपर उठा करके दाएं बाएं लेफ्ट राइट जहां मौका मिले वहां खुशियां बिखेर दो. आप सब ध्यानियों, ध्यानियों को तो देख करके ही लोग बोलने लग जाएं तुझमें रब दिखता है. ध्यानियों को देखकर लोगों को क्या बोलना चाहिए, तुझमें रब दिखता है. लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप खुद खुद के लिए इतना सम्मान इतना प्यार करेंगे. अभी मैंने लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, मेरा अभी पीछे ही प्रोग्राम यही ऋषिकेश में हुआ था, आर्ट ऑफ डाइंग, हम मरना सिखाते हैं. जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद. तो सभी लोग मरना चाहते हैं, तो ठीक है, सिंपल सा है, एक क्षण के लिए सभी लोग मुस्कुराइए, समझ लीजिए कि आपके ऊपर माला डलने वाली है, हार डलने वाला है. देखिए ऐसे, ये है ध्यानियों का मरना, कि चेहरे पे हंसी हो. जब आखिरी टाइम आए तो यमराज भी गए, एक मिनट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं अभी गांव गया था पीछे, तो अच्छा कॉमेडी ना कहीं भी क्रिएट हो जाती है, तो मैं गया तो मुझे एकांत में बहुत अच्छा लगता है, एकांत सुनसान में रहना बहुत पसंद है, घूमना अच्छा लगता है. तो मैं गया, थोड़ा जंगल सा था, तो एक स्नेक ने मेरे पाँव में बाइट कर लिया. अब जैसे उसने बाइट किया पूरा एकदम से, एक झंड के लिए बड़ा आनंददायी, बिल्कुल ध्यान लग गया, और दूसरी बाइट में तो बिल्कुल सब अलग सा ही हो गया. और मैं घर गया, मैंने मेरी चाची को बताया कि चाची पाँव में ना सांप ने काट लिया. चाची ने पूछा कौन से सांप ने, मैंने कहा आधार कार्ड नहीं था उसके पास. अरे मैंने कहा सांप ने काटा है, उसका आधार कार्ड थोड़ी मांगता कौन सा था, बट था बहुत ब्यूटीफुल, थोड़ा चॉकलेटी से कलर का था. तो मेरी चाची ने कहा तुझे शर्म नहीं आती है, अरे सांप काटने के बाद लोग रोते हैं. मैंने कहा इसीलिए मैं हंस रहा हूँ, ताकि सांप को भी पता चले गलत बंदे को काट खाया है, काटना वेस्ट हो गया. तो जब आप इतना खुश होते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये पूरा ब्रह्मांड आपको खुश रखने के लिए तैयार हो जाता है. श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा प्रपद्यन्ते तास्थे में भजाम में हम, जो मुझे जिस भाव में सिमरण करता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूँ. तो मैं चाहता हूँ आप सबके चेहरे पर वो आनंद दिखे, वो रस दिखे, वो वात्सल्य दिखे. एक बार सभी लोग एक दूसरे को देखें मुस्कुरा करके, और मन ही मन में इस दिव्य मंत्र का जप करें, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. देखें एक दूसरे को, कई लोग तो ऐसे देखते हो डर रहे कि अच्छा हम भगवान है वो देखे, लेकिन हम कैसे देख लें. अरे देख लो भाई, साथ वाला भी भगवान है. समस्या तब आती है जब मैं जैसा खुद के लिए सोचता हूँ दूसरे के लिए नहीं सोच पाता हूँ. मुझे भी बहुत बार ऐसी फीलिंग आई कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जब भासे भूमि गासे गगन वासे वायु आसे आकाश और नासे नीर पांचों तत्वों के साथ जुड़कर देखा, तब मुझे पता चला सब भगवान ही हैं. मुझसे एक बार किसी ने पूछा, जब मैं छोटा था तो यही ऋषिकेश में रहता था, अलग अलग महात्माओं के साथ घूमना फिरना, मेरा जीवन बड़ा आनंददायी था. जीवन के अंदर हर चीज़ को बहुत नॉनसेंस तरीके से किया. अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो आप हंसेंगे. मैंने संतों के ऊपर भी बचपन से ही कॉमेडी कर दी. हमारे स्कूल के टीचर मुझे पढ़ा रहे थे कबीर साहब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. सबने सुना है ये दोहा, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब. मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने सर ये कबीर जी की बेवकूफ़ी आप मुझे क्यों सिखा रहे हो. बोले मतलब, मैंने काल करे सो आज कर, जो एग्ज़ाम 6 महीने बाद होने वाला है अभी करवा लो, और आज करे सो अब, अभी की अभी मुझे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र हो. इज इट पॉसिबल? नहीं, काल वाला कल होना चाहिए, आज वाला आज होना चाहिए. टाइम के आगे चलने वाला भी जीवन के अंदर आध्यात्मिक नहीं है, और टाइम के पीछे चलने वाला भी नहीं. एम आर राइट? समझदारी की बात है ना, समझी के द्वारा ही समझदारी करना. मुझे किसी ने पूछा था पिछले महीने कि आप ऋषिकेश में क्या करते थे, तो मैं गीत लिखता हूँ. तो मैंने उनको कहा कि इन राहों पे जोगी बना फिरता था, इन राहों में जोगी बना फिरता था. मैं आप लोगों को बता दूं, मैं मॉडर्न साधु हूँ. साधुओं को मैंने ड्रेस में अपडेट कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि सब लोगों में मिक्स ना हो जाए, मॉडर्न साधु अलग से दिखना चाहिए. दीपक की लौ सा जलता था, इन राहों में जोगी बना फिरता था. आप लोग भी ऋषिकेश में कुछ क्षण के लिए साधु की तरह, महात्मा की तरह एकांत में टहलना,
और जो दिए जलते हैं ना इसके अंदर, आपने देखा होगा कि हम दिए को बहा देते हैं, उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, उस परमात्मा का दिया हुआ जीवन हम ऐसे ही समय की नदी में बहाते चले जाते हैं। तो दीपक की लौसा जलता था और क्या करता था, नदिया की धार से प्यार किया, एक बार नहीं सौ बार किया। ये जो नदी की धार है बह जाती है, अगले क्षण फिर नहीं। मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि जीवन रियल नहीं है, रियल है। अगले क्षण में इस क्षण बोल रहा हूँ, अगले क्षण हूँ ही नहीं, ठीक है। नदिया की धार सा प्यार किया, एक बार नहीं सौ बार किया, फूलों सा जल पर तिरता था, इन राहों में जोगी बना फिरता था। फूलों की तरह कब तैर हो गए आप, जब आप अहंकार का भार नहीं रखोगे। और फूलों का सबसे जो खूबसूरत आस्पेक्ट है वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मुस्कुराना। एक बार जोर से मुस्कुरा दे। अब बताइए जोर से मुस्कुराना क्या होता है, जोर से हंसना तो होता है, जोर से मुस्कुराना ये नया शब्द है कि नहीं है। जोर से मुस्कुराने का अर्थ है अकारण, बेमतलब, बेवजह, विवेक के साथ मुस्कुराना। तो सबने कहा और क्या किया, कभी शिक्षा दी कभी दीक्षा दी, हरि मिलन की हर पल इच्छा की, सब में ईश्वर ही दिखता था, इन राहों पे जोगी बना फिरता था। सो आप लोग भी ध्यान महाकुंभ में आए हुए जोगी हैं और साधु हैं, महात्मा हैं, दिव्य पुरुष हैं। और मैं श्री कृष्ण की तरह भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ और आप लोग शायद अभी नहीं जानते हो कि आप कितने दिव्य, कितने महान, कितने ऊंचे और कितने अच्छे हो। एक बार जोरदार अपने ये ताली बजा के बताएं मुझे कितने अच्छे हैं। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। सो इस ध्यान महाकुंभ के लिए अपने लिए सभी के लिए जोरदार ताली बजाए। और मैं यहीं अपने शब्दों को विराम दूंगा, मंत्र एक बार दोहरा लें सभी लोग मेरे साथ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच।